हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग सीधा दीदी के घर से मैं शुरुआत कर रही हूं। मैं अपनी बड़ी दीदी के घर पर आई हूं, तो यहां पर देखिए आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन हम दीदी की यहाँ पर कथा होती है, तो सत्यनारायण की कथा बच रही थी। जब मैं आई तो कथा थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और जिया जी कथा में बैठे हुए हैं, ये राम, अन्नू, काजल, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, तो बस ये लोग भी सब बैठे हुए हैं। तो हम लोग आए थे, तो हम लोग भी कथा में शामिल हो गए। तो दी गई नहीं रहा वैसे खूब देखा और यहाँ पर देखिए हम सब लोग भी बैठ गए हैं। बस थोड़ी आरती होने वाली है थोड़ी ही देर में, और फिर कथा पूरी संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग रक्षाबंधन की तैयारी करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप लोग भी कथा सुन लीजिए। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. और यहाँ पर आरती शुरू हो गई है, तो यहाँ पर सब लोग बारी बारी से आरती कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहले जीजा जी ने की, फिर दीदी ने की, फिर ये काजल, अन्नू, उसके बाद हम लोग भी करेंगे। अब हम लोग आ गए थे तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग भी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कथा पूरी समाप्त हो गई है और अन्नू सबके लिए प्रसाद लगा रही है। जो कथा में प्रसाद बनता है वो कथा का प्रसाद लगा रही है सभी लोगों के लिए, बांटने के लिए और घर में जितने लोग हैं उनके लिए। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब आप लोगों को मैं वैसे तो नहीं खिला सकती, लेकिन आप लोग भी ऐसे ही ग्रहण कर लीजिए। और दीदी के यहाँ पर हर पूर्णिमा को कथा होती है, साल में जितनी पूर्णिमा पड़ती हैं हर। और ये हैं मेरी दीदी की ननद काजल, अन्नू, राम की बुआ। तो यहाँ पर इनको थोड़ा टाइम हो गया था आए, और यहाँ पर देखिए इनके हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी तो अन्नू इनको मेहंदी लगा रही थी। और ये दो भैया पीछे बैठे हुए हैं, ये अन्नू के कज़न ब्रदर हैं, यानी कि इनकी बुआ के लड़के हैं। तो आप लोग इनसे भी मिल लीजिए, ब्लॉग में ये पहली बार आए हुए हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे रक्षाबंधन की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए अन्नू पहले अपने कज़न ब्रदर को राखी बांध रही है।
और हम लोग हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही मतलब मना लेते हैं रक्षाबंधन। मतलब कहने का मतलब ये है कि थाली में हम आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने लोगों ने आरती नहीं रखी या दिया नहीं जलाया, तो हम लोग तो बस प्लेट में मिठाई रख लेते हैं, राखी रख लेते हैं, थोड़ी सी रोरी और थोड़ी सी चावल रख लेते हैं, और बस ऐसे ही हम लोगों के यहाँ मतलब होता है और हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब बहुत से लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अब ये नए नए सिस्टम है कि मतलब आरती जला लेते हैं या दिया जला लेते हैं, पर अपना अपना वो है जिसको जैसे करना हो। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भैया ने राखी बंधवा ली है यहाँ, और दिया या आरती वगैरह हम लोग मंदिर में रखते हैं, मंदिर में ही जलाते हैं, और भाइयों का टीका तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? मैंने तो ज़्यादातर वीडियो में ऐसे ही देखा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए आप लोग भी रक्षाबंधन। दीदी अब तुम घरे देखियो, घरे बैठे बैठे तुम सबको देख लो घरे। देखो दिया ने हाल दिया दो आ रही, ले लो ले लो। दिया भी देखा दे भाई वीडियो। मिठाई खुआ? अरे नेक का करो, सगुन तो करो। और भैया को तो खुआ ही नहीं है। ऐसे ही। ठीक है। बढ़िया है, घूटे भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। और मैंने वीडियो में सॉन्ग नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो अगर सॉन्ग में डाल देती तो उससे और भी वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन अब क्या। और अनु काजल के बाद अब मेरी बारी थी, तो अब मेरा भैया भी आ गया है। ये मेरा मौसी, छोटी मौसी का छोटा बेटा है, इसका नाम सुमित है। इसके बड़े भाई की शादी की वीडियो मैंने पूरी डाली थी, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा। तो ये सुमित है, तो मैंने अभी इनको राखी बांध दी है, और अभी मेरा जो खास भाई है वो भी आने वाला है, और ये मेरा मौसी का लड़का है। तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये इसका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भाई भी मेरा बहुत मस्त है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसी मैं बातें करती हूँ वैसे ही ये बिल्कुल मुझे इतना चिढ़ाता रहता है कि बहुत है। तो बस ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन तो हक होता है भाई बहन को एक दूसरे के चढ़ाने का, वैसे तो हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन बोले का दिन ही अलग होता है। और यहाँ पर देखिए ये मेरा भाई आ गया था, तो ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझसे छोटा है, ये हमारे घर में सबसे छोटा है। मेरी दीदी सबसे बड़ी है, मुझसे बड़ा एक भाई है, फिर मैं हूँ, और फिर ये वाला भाई है। तो बस अब ये भी आ गए थे, तो फिर इनको भी मैंने राखी बांध दी, और बस ऐसा रहा मेरा रक्षाबंधन।
और आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा। और बाकी सब सभी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की एक बार और शुभकामनाएं। तो बस, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो लोग नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और देखिए मैं अपने भाई से कैसे लड़ रही हूँ पैसे के लिए, क्योंकि आज हक बनता है। वैसे तो नहीं, रोज़ रोज़ कौन मांगता है, लेकिन आज तो बिल्कुल मांगे जाते हैं बिल्कुल। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।